स्वतंत्रता के 75 वर्ष बाद लखनऊ में एक बार फिर नील की खेती की शुरुआत हुई है। कहते हैं कि नील की खेती में लागत से 4 गुना अधिक तक मुनाफा होता है। आइए जानते हैं इसमें और क्या कुछ है खास। इसका वैज्ञानिक नाम इंडिगोफेरा टिंकिटोरिया है, जिसे स्थानीय भाषा में नील कहा जाता है। कहा जाता है कि यह 4 गुना मुनाफा देने वाली नील की खेती बहुत ही आसान है। नील की खेती करने वाले हमजा बताते हैं कि एक एकड़ खेती में 25 से 30 हजार रुपए का खर्च आता है, मगर इसको बेचने के बाद 90 हजार से 1 लाख रुपए तक मिलते हैं। यह फसल तैयार होने में 90 दिन लगते हैं। इसके बाद इसकी पत्तियों को धूप में सुखाकर पाउडर बना लिया जाता है। इस पाउडर को कंपनियां खरीद लेती हैं। इसके अलावा कोई जानवर इसको खाता भी नहीं है। ऐसे में छुट्टा पशुओं से भी इनकी बहुत ज्यादा हिफाजत नहीं करनी पड़ती। मौजूदा समय में तमिलनाडु में इसकी खेती सबसे ज्यादा होती है। नील का प्रयोग कपड़ों को डाई करने में सबसे ज्यादा होता है। 19वीं शताब्दी में बिहार, बंगाल, उड़ीसा और यूपी इस खेती का मुख्य केंद्र हुआ करते थे। कृषि मामलों के जानकार बताते हैं कि इसकी खेती से नुकसान भी नहीं होता। यह जमीन को नाइट्रोजन देता है। ऐसे में एक फसल के बाद जब उसी खेत पर कोई दूसरी फसल लगाई जाती है तो उसकी पैदावार भी बढ़ जाती है।